वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे, आज एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड स्टीरियो है, ओईएम सिस्टम है, तो आप उसको अगर रीसेट करना चाहते हैं, रिव्यूट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक पासवर्ड, और वो पासवर्ड आज मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे अगर हम बात करें तो नॉर्मली 1234 या 0000 जब हम टाइप करते हैं तो हमारा सिस्टम रिव्यूट हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो एंड्रॉयड स्टीरियो बेच रही हैं, लेकिन अगर हम रिव्यूट करने की बात करते हैं तो स्क्रीन पे जो होल होता है RES, एक तो वहां से रिव्यूट करते हैं और एक प्लेयर के सेटिंग में जाके हम उसको रीसेट करते हैं। तो आज पूरा मैं आपको स्क्रीन रीसेट करके दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपके एंड्रॉयड स्टीरियो में बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपने उसको कुछ उसके फीचर छेड़े या कुछ भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको रीसेट करके सही कर सकते हैं। तो कैसे आप 9-10 इंच एंड्रॉयड स्टीरियो जो आजकल बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं और अकॉर्डिंग टू कार आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी ब्रांड हैं, तो उनको रीसेट करने का जो पासवर्ड होता है वो मैक्सिमम सिमिलर होता है, तो वो पासवर्ड आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये है 9 इंच यूनिवर्सल एंड्रॉयड स्टीरियो। अब इसमें हमें जाना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद गाइज आप जाएंगे फैक्ट्री सेटिंग में। फैक्ट्री सेटिंग में आपको टाइप करना है 8888, उसके बाद ओके करना है। फिर आप जाएंगे रिव्यूट सेटिंग में, रिव्यूट पे क्लिक करके ओके करना है, फिर आपका सिस्टम रिव्यूट हो जाएगा। रिव्यूट होने के बाद जो भी सेटिंग आपने इसकी छेड़ी होंगी, जो भी फीचर इधर से उधर हुए होंगे, वो सही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मेन इशू जो होता है गाइस, वो होता है पासवर्ड का। तो आप लिख लीजिए 8888, मैक्सिमम एंड्रॉयड स्टीरियो जो मार्केट में है उनका ये पासवर्ड है रिव्यूट करने का। तो गाइस इस तरीके से आप रिव्यूट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के एंड्रॉयड स्टीरियो को, 8888 पासवर्ड डाल के रीसेट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वो भी आप देख सकते हैं।